दोस्तों आज तक हम आपको दुनिया के तमाम देशों और शहरों की सैर करवा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते होंगे। ये देश विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है और आज पूरी दुनिया में इस देश का डंका बज रहा है। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। एक समय पर इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। मसालों से लेकर दूध तक के उत्पादन में देश नंबर वन पर है। मैथ, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में देश दुनिया से काफी आगे रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी कि हम अपने ही देश भारत की बात कर रहे हैं। भारत जिसे हिंदुस्तान और इंडिया भी कहा जाता है। भारत नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। बात चाहे लैंग्वेज की हो, खानपान की हो या फिर कल्चर और ट्रेडिशन की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के बारे में कुछ विशेष बातें बताएं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद कुछ सेकंड्स के लिए तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप खुलकर अपने देश के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे सुंदर और खूबसूरत देश यानी कि भारत की सैर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, भारत का इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है। दुनिया भर में भारत को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख जैसे चार प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। भारत की धरती पर आज तक अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर दुनिया को गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण तक विष्णु जी के सभी अवतारों का जन्म भारत में ही हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध, सिखों के 10 गुरु और जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों का जन्म भी भारत की पवित्र भूमि पर ही हुआ है। भारत का कण कण ऐसे महापुरुषों के जन्म लेने के कारण पवित्र माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत भारत में ही हुई थी। करीब 5000 साल पहले ही सभ्यता के लोगों ने हथियार बनाने सीख लिए थे। उस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में एक उन्नत सभ्यता रहा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने काफी कुछ सुन भी रखा होगा। इसके बाद भारत में मौर्यन अम्पायर, गुप्ता अम्पायर, कुशन अम्पायर, चालुक्यास, चोलास, राजपूत और मराठाओं ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हालांकि 12वीं शताब्दी के बाद भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों का आगमन हो गया था। तुगलक, लोधी और मुगलों ने भारत में राज किया और बाद में अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत को खूब लूटा। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने आज तक कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। भारत हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है। अरबों का खजाना विदेशी भारत से लूट कर ले गए, लेकिन इसके बावजूद भारत के भंडार आज भी खजानों से भरे पड़े हैं। 200 साल 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। उसके बाद भारत का संविधान लिखा गया। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान में देश के दो नाम है, भारत और इंडिया। इंडस नदी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया था, तो वहीं भारत नाम कैसे पड़ा इस बारे में कई बातें प्रचलित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत देश का नामकरण हुआ है। वहीं कुछ लोग भगवान राम के भाई और राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम से भी भारत की उत्पत्ति को जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के नाम से भी हमारे देश को पहचाना जाता है। आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में सबसे ऊपर आता है। कहा जाता है कि पॉपुलेशन के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। भारत की कुल जनसंख्या 142 करोड़ तक पहुंच गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए फिलहाल एक चिंता का विषय भी बनी हुई है। भारत विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की, तो आज इंडिया वर्ल्ड की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। साल 2024 में भारत की GDP 4 ट्रिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर जाएगी। भारत की पर कैपिटा इनकम में भी तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारे देश में एक व्यक्ति सालाना 2850 डॉलर्स की कमाई करता है। इतनी ज्यादा आबादी के लिहाज से यह आंकड़ा अच्छा कहा जा सकता है। बिलियनियर्स की संख्या के मामले में भी भारत टॉप 3 देशों में शुमार है। हरुण रिच इंडिया के लिस्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल 260 बिलियनियर्स हैं और मुकेश अंबानी भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। भारत प्राचीन समय से ही शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माने जाते हैं। पिछले कुछ दशकों से देश में एजुकेशन की ओर काफी बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। आज देश का लिटरेसी रेट 78% तक पहुंच गया है। वहीं भारत के कई शहर ऐसे भी हैं जहां पर साक्षरता दर 90% से ज्यादा है। भारत में हर साल नए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं। दुनिया भर के छात्र भारत में हायर एजुकेशन प्राप्त करने आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के अधिकांश देशों में एक, दो या अधिक से अधिक 4-5 भाषाएं ही
ही मुख्य रूप से बोली जाती है, लेकिन वहीं भारत के संविधान में 22 मुख्य भाषाओं को जगह दी गई है और अगर स्थानीय भाषाओं को मिला दिया जाए तो हजारों भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। भारत में हर 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। पूरे भारत में टोटल कितनी लैंग्वेजेस है इसका सही आंकड़ा पता लगाना तो मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 1500 से ज्यादा भाषाएं बोली जा रही हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों की संख्या भी भारत में ही है। लगभग 40% आबादी आज भी शाकाहारी है और अगर भारत में मौजूद शाकाहारी लोग का अलग से देश बना दिया जाए तो ये दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में इतनी बड़ी संख्या में शाकाहारी होने के कारण पिज्जा हट और मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों ने शुद्ध शाकाहारी आउटलेट भी भारत में खोले हुए हैं। भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 1,26,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे की पटरियां भारत में बिछी हुई है। साथ ही रेलवे में आज 13,00,000 कर्मचारी काम करते हैं, जो इसे विश्व में सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी की सूची में स्थान देती है। बिलास, पूरी दुनिया योगा पद्धति को अपना रही है। आज से 5,000 साल पहले भारत में ही योग की शुरुआत की गई थी। आर्यभट्ट और रामानुजन से लेकर शकुंतला देवी तक कई महान गणितज्ञ भारत में हुए। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान देने वाले आचार्य सुश्रुत भारत के ही थे। पूरी दुनिया को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में भारत ने ही बताया था। भारत को क्रिकेट प्रेमियों का देश कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। BCCI विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और IPL में तो खेलने के लिए दुनिया भर के लगभग सभी बोर्ड देशों के खिलाड़ी उत्सुक रहते हैं। भारत में लोग क्रिकेट खेलते नहीं बल्कि क्रिकेट को जीते हैं। क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, शतरंज ऐसे कई सारे खेल भारत में बड़े इंटरेस्ट के संग खेले जाते हैं। आपको बता दें, शतरंज और स्नेक एंड लैडर्स, जिसे सांप और सीढ़ी भी कहा जाता है, वो भारत की ही देन है। इसके अलावा खो खो और कबड्डी जैसे भी कई खेल भारत में ही ईजाद हुए। भारत की फिल्म इंडस्ट्री की भी पूरी दुनिया में पहचान है। बॉलीवुड के संग संग अब साउथ इंडिया की फिल्में भी पूरी दुनिया में धूम मचाने लगी है। साल भर में इंडियन सिनेमा में 2,500 से ज्यादा फिल्में बनाई जाती है, जो पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। भारत में 1,55,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद है, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का पहला पानी पर तैरता पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। भारत की स्पेस एजेंसी आज एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अपनी पहली ही कोशिश में और बहुत कम लागत में मंगल मिशन को अंजाम देने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। साल 2023 में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ एक इतिहास रच दिया था। दूसरी बात, आप जानते होंगे कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में मंदिर बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6.5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। प्रत्येक 1,00,000 लोगों पर भारत में 53 मंदिर देखने को मिलते हैं। एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि मस्जिदों की संख्या में भी भारत विश्व में पहले नंबर पे आता है। भारत में कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। भारत अपनी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। भारत में साल भर में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के संग त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू भाई दिवाली की मिठाई देने मुसलमान भाई के घर जाता है तो वहीं ईद पर मुसलमान भाई अपने हिंदू दोस्त को मीठी सेवई की दावत देता है। होली, रक्षाबंधन, मुहर्रम, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, रमजान, मकर संक्रांति, बुद्ध पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे अनेकों त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। इसलिए विश्व में भारत को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के हर राज्य में आपको अलग फोक म्यूजिक, फोक डांस देखने को मिलेगा। कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम जैसे लोक नृत्य भारत की शान है। मधुबनी और वर्ली पेंटिंग भी आज वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। पूरी दुनिया में सबसे रॉयल वेडिंग भारत में ही की जाती है। हमारे देश के हर राज्य में एक अलग अंदाज में शादी होती है। कई दिन पहले से ही शादी के रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं। सारे दोस्त, प्रियजन और रिश्तेदार खुल के मौज मस्ती करते हैं। आज के समय में विदेशी लोग खास तौर पर सिर्फ शाही शादी अटेंड करने भारत आ रहे हैं। दोस्तों, आज भारत प्रोडक्शन के मामले में टॉप कंट्रीज में शुमार है। वर्ल्ड के 70% मसालों का उत्पादन भारत में ही होता है। दूध, दालें, गन्ना, गेहूं, जूट, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे अनेकों चीजों के उत्पादन में भारत टॉप पे आता है। जितनी डाइवर्सिटी इंडिया के कल्चर में देखने को मिलती है ना, उतनी ही विविधता यहाँ के खान पान में भी है। भारत में खाने की इतनी वैरायटी है कि अगर आप डेली एक डिश भी ट्राई करेंगे ना, तो सभी चीजें ट्राई करने में कई साल लग जाएंगे। हर राज्य अपने डिफरेंट जायके और स्वाद के लिए बड़ा फेमस है। पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, दिल्ली के छोले भटूरे, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, उत्तर प्रदेश की चाट, इंदौर का पोहा, महाराष्ट्र का वड़ा पाव, साउथ इंडिया का इडली सांभर बड़ा, बंगाल के रसगुल्ले, बिहार का लिट्टी चोखा, ऐसी कई डिशेज है जिनका नाम सुनते ही किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। हमारे मुंह में तो भाई बताते बताते ही आ रहा है। साथ ही आप हर गली मोहल्ले में स्ट्रीट फूड का स्वाद भी चख सकते हैं, जो आपको दीवाना बना देगा। दोस्तों, भारत में घूमने की इतनी सारी जगह है ना, जिसके बारे में बात करेंगे तो एक वीडियो काफी नहीं है। उसके लिए कई वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी। आज भारत में 28 राज्य और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूं तो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घूमने लायक है और कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी सुंदरता वाकई दोस्तों लाजवाब है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा।
का। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगहें हैं जहां पे आप घूम सकते हैं। आगरा का ताजमहल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी वो स्थान है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सबके अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी बॉस कमाल की है। दोस्तों इसके अलावा भी भारत के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पूरी जिंदगी भी भारत के बारे में जानने में लगा देंगे ना, तब भी आप शायद पूरी जानकारी भारत के बारे में इकट्ठा ना कर पाएं। वेल आप मुझे बताइए आप भारत के किस शहर किस राज्य से है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।